So students, in our previous video, I have taught you about the metallic and non-metallic characteristics and their variation in periodic table. So now come on to the next topic, nature of oxides. अब हम oxides के nature पढ़ेंगे कि metal oxide का nature क्या कैसा vary करेगा या non-metallic oxides होते हैं उनका क्या variation आता है periodic table के अंदर. So oxides of metals are of basic नेचर, यानी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के. एंड वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो होंगे एसिडिक. तो आपको ऐसे याद रखना कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के. एक एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी, ये पहले वेरिएशन है कि अलॉन्ग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, यानी बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, एलिमेंट का डिक्रीज होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं राइट साइड में. मेटल के ऑक्साइड होंगे बेसिक, तो यानी लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जैसे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक. तो बेसिक जो नेचर है वो तो क्या हो जाएगा, कम, और एसिडिक नेचर के बाद हो जाएगा इंक्रीज. इसलिए नेट लाइन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. यानी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में अलोंग अ पीरियड, देन बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. और एसिडिक इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि राइट साइड में कौन लाई करते हैं, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के. नाउ एक एग्जांपल ले रखा मैंने यहाँ पर, थर्ड पीरियड का एक एग्जांपल है. हमें पता है थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये उनके ऑक्साइड्स हैं, Na2, MgO, Al2O, SO3 और P2O5, SO2, Cl2O7. ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं. अब यहाँ ये क्या है, ये होते हैं मेटल्स, ठीक है, Na, Mg, Al2, ये मेटल्स होंगे. तो इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, यानी Na2O, MgO, Al2O3, ये उनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक नेचर के, दे आर बेसिक इन नेचर. तो ये क्या है, स्ट्रांगली बेस, और ये क्या है, सी क्लोरीन, सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड, ये क्या है, नॉन मेटल्स. तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो वीक बेस होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. यानी लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग बेस और राइट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड. यानी हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिक से कम होते होते एसिडिक नेचर बढ़ गया एलिमेंट्स का, है ना, वी कैन से दैट. नाउ इन ग्रुप वेरिएशन देखते हैं ग्रुप में. ये मैंने ग्रुप ले लिया, उसके अंदर जैसे MgO, CO, SRO, BO, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके ऑक्साइड्स हैं. तो टॉप टू बॉटम जब हम डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होता है. यानी MgO लीस्ट बेसिक है, और नीचे आके BaO, बेरियम ऑक्साइड, ये कैसा है, मोस्ट बेसिक, ठीक है, तो लीस्ट बेसिक है, ठीक है. तो यहाँ ये मतलब एक तरीके का कौन सा होगा, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और जो मोस्ट बेसिक है उसका एसिडिक नेचर कम होगा. मीन्स ग्रुप में और पीरियड्स में, दोनों में जो वेरिएशन है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अपोजिट है, वाइस वर्सा है, ठीक है. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीज, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज, बिल्कुल वाइस वर्सा होगा दोनों का. थैंक यू.